अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यार आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार परसों इंशाल्लाह ईद है, बड़ी ईद है, और आपको हमारे मोहल्ले में जो कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं उनका थोड़ा बहुत शौक करवा देते हैं। जो हमारे यहाँ पर पिछले कल के पहले की नस्बत, तो पिछले साल की नस्बत तो इस वक्त कम है, लेकिन चले आपको थोड़ा बहुत करवा देते हैं। आप लोगे मुस्तफा, आप लोगे माशाल्लाह ठीक है। तो यार ये उधर एक बैल था बकरे से दो, और उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह से बैल बैठा हुआ, ये भी हमारे मोहल्ले के अंदर ही है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा बैल है। इसके साथ ही उन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई, अभी यहाँ पर बाहर नहीं है, वरना मैं आपको इसकी डिटेल भी लेके देता हूँ। माशाल्लाह से ब्राउन कलर का काफ़ी अच्छा ये बैल है। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद यार ये एक बकरा है, बस गिने चुने जानवर ही हैं। साल पिछले साल तो माशाल्लाह से काफ़ी थे, इस साल काफ़ी कम है। ये एक बकरा है यहाँ पर, ये भी बीतल लगता है। गर्मी की वजह से बस सारों की हालतें थोड़ी बहुत ख़राब हैं, ऊपर से नहलाया हुआ भी है इसको, तो गर्म साल हो जाएगा तो इसको ही नहीं, अल्लाह हैर करने वाला है, अल्लाह सबको कुर्बानी की तौफीक दे। तो यार आज आपको दिखाते हैं कि अगर प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज़ कर दें, वैसे तो फर्टिलाइज़र हर प्लांट के लिए अच्छा है, मतलब ग्रोथ को या फ्लावरिंग को बूस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो जाए तो उसका फिर नतीजा इस सूरत में निकलता है कि ये देखें ये पूरा प्लांट जो है वो जल चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आप मेरी पहली पिछली वीडियो से मेरे चैनल पर मौजूद हैं वो अगर उठा के देखें तो उसमें ये बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी पौधा है, लेकिन अभी ये तकरीबन मैंने दो दिन पहले इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, ये बिल्कुल जल चुका है। रीज़न इसका यही है कि जो फर्टिलाइज़र होता है ये अपनी इसकी हीट होती है, उसकी वजह से मुझे डालते हुए भी थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि जैसे मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन मैंने कहा चलो अभी जो भी हो गया देखा जाएगा। पर अभी चलो ये थोड़ा सा जल गया नीचे से, इसके रूट्स भी जल गई होंगी। मुझे इसके बारे में श्योरिटी इस तरह हुई कि ये ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से है, क्योंकि तकरीबन मैंने 4 से 5 पौधों में डाला था फर्टिलाइज़र, तो मैंने बस ज़्यादा ही डाल दिया था, और जिनमें मैंने डाला था ये उन्हीं को इशू आया है कि इनकी जो साइड की जो पत्तियाँ हैं ये थोड़ा सा कम इफेक्ट हुआ है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं वो जलना शुरू हो जाएंगी जिस तरह ओवर वाटरिंग अगर कर दें तो उसमें हो जाता है। और साथ ही ये जो मिडल वाले इसके पार्ट हैं, ये जो दरमियान की ये टहनी होती है, इसकी वेन होती है, ये ग्रीन होती है, लेकिन ये भी ब्राउनिश हो जाएगी, जैसे आप अगर गौर कर सकें तो इसकी ब्राउन हो चुकी है। चलें अभी ये गलती तो हो गई है, इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं अभी आपके सामने ही करूँगा। चलिए इसकी ट्रीटमेंट अभी शुरू करते हैं, पहले मैं इन सारों को बाहर निकाल लूँ उसके बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 3 पौधे फर्टिलाइज़र की एक्सेस की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं उन्हें मैंने बाहर निकाल लिए, तो ये आप साथ ही देख सकते हैं कि इसमें न्यू ग्रोथ भी साथ साथ हो रही है, लेकिन ये जैसे ही थोड़े बड़े होंगे तो ये साथ ही फिर ये जल जाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है सॉइल के अंदर से, तो वो टाइम टू टाइम जो इफेक्ट डालेगा। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जितना भी फर्टिलाइज़र है इसके सॉइल के अंदर सारे को वॉश करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि आप कोई भी खोदने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, चाहे वो कोई खुरपा हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, मैं तो घर की चीज़ों से ही यूज़ कर लेता हूँ। तो बेशक आप एक पेचकस से साइड की जो है मिट्टी उसको नरम कर लें, और तकरीबन जो है ना 3 से 4 इंच जो है वो आपने मिट्टी निकाल लेनी है इसकी साइड से सारी, क्योंकि उसके अंदर अभी फर्टिलाइज़र एक्सेस में मौजूद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगर रिलीज़ होता रहा तो पौधा जो है वो बिगड़ सकता है। ये मैंने इसके अंदर अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसकी थोड़ा सा जो है हमें टाइम मिल जाता है इसको बचाने का, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा कर सकता है, और वो एकदम से पौधे को जो है वो जला देता है। तो यार जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो मिट्टी सारों की निकाल दी है, तकरीबन 3 से 4 इंच जो है वो सारों की साइडों से निकाल दी। ये मेरे कलर रोज़ के पौधे थे 2, और तीसरा जो है था ये जो है वो स्टार जैस्मीन का था, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही थी लेकिन बस लापरवाही की वजह से होंगे। अच्छा तो मैंने इसकी मिट्टी निकाल दी है, पहला इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो फर्टिलाइज़र इसकी रूट्स अब्जॉर्ब कर रही थी एकदम से ऊपर वाली रूट्स, उनको फर्टिलाइज़र कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 इंच खोद के तो फर्टिलाइज़र डाला था, तो 3 इंच मिट्टी निकाली है, तो वो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा उसका इफेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें साथ कैविटी मिल गई है,
साथ कैपेसिटी भी मिल गई है कि हम इसमें पानी डाल सकें, क्योंकि जितना भी फर्टिलाइज़र नीचे इसकी रूट में चला गया उसको सारे को वॉश आउट करना है, जिसके लिए हमें स्पेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई है, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा कुछ लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइज़र की वजह से पहले ये स्ट्रेस के अंदर है, तो रिपोर्टिंग जो है वो इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि सबसे आखिरी चॉइस है। अगर आप पहले ही कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर चांस तो वैसे बहुत कम होते हैं, तो अगर आप पहले ही कर देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही वो जो है 10% चांस रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ये करनी है। मैंने सारी मिट्टी निकाल के जो है वो इसमें डाल ली है, ये मिट्टी हमारी ज़ाया नहीं होगी, इसको फिर से हम जो है धूप लगा के ताकि फर्टिलाइज़र का असर इसमें से ख़त्म हो जाए, और इसमें बाकी थोड़ी सी सॉइल मिक्स करके जो आम होती है तो फिर इसको किसी और पॉट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने जब इसको कर लिया है तो फिर आप इसमें वाटर डालेंगे सही तरह, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपने जो है ना इसको फुल करना है, सारा पानी इसके नीचे से निकल जाए। ये ध्यान रखना कि नीचे से जो इसका ड्रेन है ना वो ठीक हो जाए, ताकि इजीली पानी तीनों के अंदर से, मतलब जितने भी आपके प्लांट्स हैं सारों के अंदर से निकल जाए। इसके अलावा मैंने बाकियों के अंदर भी फर्टिलाइज़र डाला था, लेकिन उनके गमले थोड़े से बड़े थे और साथ जाएँ की रूट स्ट्रांग थी, इस वजह से उनको इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन ये क्योंकि छोटे पौधे थे तो उनको एकदम से जो है वो शॉक लगा। ये भी मैंने तीनों को भर दिया पानी से, ये जब सारा वॉश होगा तो मैं एक और दफ़ा पानी डालूंगा और फिर एक और दफ़ा डालूंगा, उससे ये है कि जितना भी इसमें चांस होगा ना फर्टिलाइज़र का वो मिनिमम हो जाएगा। साथ आपने जब ये सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा नीचे से, उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें फ्रेश न्यू साइल डाल देनी है, ताकि उसकी जो है वो और एनर्जी उसको मिल जाए न्यू रूट्स बनाने के लिए। साथ हमने प्लांट को इस कंडीशन में बेयर रूट बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब बिल्कुल ही उसकी मिट्टी नहीं खाली कर देनी, वरना जो है प्लांट पहले ही शॉक में और उसको इश्यू हो सकता है और चांसेस जो है वो और कम हो जाएंगे। यार ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो साथ साथ ड्रेन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, इसको आपने बस तकरीबन आधे आधे घंटे के गैप से जो है ना 3 दफ़ा इसके अंदर डालना है पानी, और उसके बाद जो है इसके अंदर फ्रेश न्यू सॉइल डाल के तो इसको जो है ना वो रख लेना है शेडो के अंदर, मतलब इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो चलें इतनी देर हम जो है अपने वो ओलियंड्रा की मैं कटिंग्स लेके आया था उनको रेडी करते हैं और उसके बाद जो है उनको लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है आपने इस तरह थोड़ा सा टिल्ट करके इसको कट लगाना है, और कट आपने देखना है कि शार्प हो, इसी तरह जो है इसी को भी आपने देखना है कि नॉड के नीचे से कट लगाना है, जैसे यहाँ पर इसको नॉड है तो नॉड के नीचे से कट लगेगा, ठीक है, और इस तरह आपने टिल्ट करके इसका कट बना देना। मैं सारों को रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यार ये वाली एंड्रा की कटिंग्स हैं, और आपने जो है ऊपर से इसका जो फ्लावर बड होगा उसको भी काट दिया, क्योंकि वो फिर जो है एनर्जी सारी ले लेगा और इसको ग्रोथ करने में मसला होगा। साथ ही नीचे के जो है आपने सारे इसके पत्ते जो है काट देने, ऊपर के बस जो न्यू लीव्स होंगे जो नए निकल रहे हैं वो छोड़ देने, और साथ साथ ही जो है आपने इनको पानी में डिप कर देना, ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लूज ना हो, और साथ साथ डिप करते जाएंगे तो मतलब इजी हो जाएगा उसके लिए कटिंग के लिए। तो यार ये मैंने कटिंग से यहाँ पर सारी रेडी कर ली है, तो कटिंग जो है वो कम से कम भी आपकी जो है ना वो 4 इंच की लाजमी होनी चाहिए, और साथ है जो है नीचे वाली साइड आपने नीचे की तरफ ही रखनी है, ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ, ना कि अब ये करेंगे इसको ऐसे उल्टा करके लगा दें तो वो जो है प्रोपिगेट नहीं करेगी। सबसे पहले आपने ये करना है, आप इस तरह करके होल कर लें, और मिनिमम जो है 2 नॉट जो है वो इसके अंदर होने चाहिए, 2 नॉट जो है वो सॉइल के अंदर होने चाहिए और बाकी जितने ऊपर बचते हैं वो इस तरह रख के फिर आपने साइड से जो है इसको दबा देना, ठीक है। इसी तरह आप जो है दूसरी भी लगा लें, थिकनेस वगैरह का कोई भी नहीं है इसमें इशू, जितनी मर्जी थिक या जितनी मर्जी थिन जो है आप लगा लें, बस थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट उसी हिसाब से देना पड़ता है। थिक को जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, जो सॉफ्ट वुड कटिंग होगी, और हार्ड वुड होगी उसको थोड़ा सा कम में भी वो चल जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि थोड़ी सी जो सेमी वुड हो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, प्रोपेगेशन रिजल्ट भी अच्छा होता है उसका, उसमें विल पावर भी जो है वो दोबारा ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा होती है। तो यार ये मिट्टी थोड़ी सी मैं ऊपर से भी डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉट्स कवर हो सके, उतने ही आपका रेशियो ज़्यादा हो, क्योंकि नॉट एरिया से ही रूट निकली, अगर नॉट कोई भी ज़मीन के अंदर नहीं है तो वो फिर इम्पॉसिबल है कि वो आपकी जो है कटिंग चले। साथ आपने मिट्टी डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है ताकि वो सारी मिट्टी बैठ गई, मिट्टी आप कोशिश करें ड्राई हो ताकि वो साथ में बैठ गई,
दोनों पॉट्स मैंने रेडी कर दिए। अभी आप चाहें तो ऐसे भी उनको रख सकते हैं, या फिर अगर ऊपर से आपने पॉलीथीन से कवर करना है तो वो भी आप इश्यू। मैं एक को कवर करूँगा और एक को नहीं करूँगा, तो इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर मैं आपको साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। कौन सा वाला बेहतर रहा है, दोनों में जो है वो सक्सेस बेहतर ही होती है, ठीक ही होती है। पॉलीथीन में ये होता है कि जो मॉइस्चर होता है वो उड़ता नहीं है, वो अक्सर हम यूज़ करते हैं दिसंबर या जनवरी के अंदर, जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हीट थोड़ी सी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने खरीदना उसको पानी देना है, ताकि उसको ऊपर तक फुल कर देना है, उसके बाद जो है आप इसको पॉलीथीन से कवर कर दें। मैं एक को करूँगा और एक को नहीं करूँगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यार ये आप देख सकते हैं जितनी देर में हमने कटिंग लगाई है उतनी देर में इनका पानी जो है वो हो चुका है। अभी मैं फिर से इनको सेकंड टाइम अभी वाटरिंग करने लगा, ठीक है। इसका तो तकरीबन सारे ड्रेन हो गया, बाकी जो है उनमें थोड़ा थोड़ा और डाल दूँगा इंशाल्लाह। आधे आधे घंटे तक इसको मैं तीसरी दफ़ा भी पानी दे दूँगा और ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसके बाद साइल डाल के इसको जो है वो आप शेड में रख सकते हैं। साथ ही मैंने जो कटिंग्स हैं वो भी मैंने पीछे रख दी हैं। कटिंग्स का मैं ये बताना भूल गया था कि इनको रखना कैसे है। इसको आप ज़्यादा बेहतर है कि शेड में रखें या जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आए, ठीक है। इसका मैंने शॉपर जो है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि वो दूसरा शॉपर थोड़ा सा तंग था तो अंदर कटिंग्स जो है वो हिल रही थी, तो अभी मैंने बड़ा शॉपर लगा के नीचे से रबर बैंड लगा दिया ताकि वो एयर टाइट हो जाए। ऊपर से एक दो आप इसके अंदर होल्स कर दें ताकि एयर की वेंटिलेशन रहे और फंगस ना लग सके इसको, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हिबिस्कस की कटिंग्स लगी हुई हैं इसके अंदर और ये भी माशाल्लाह से प्रोपेगेट कर रही हैं, ये वाली और साथ एक ये वाली। ये जी यहाँ पर सारे घुमाने लाए हैं बकरे ताकि इधर चर कर लें। तो यार इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।